सागर जिले के मालथोन शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालथोन नगर परिषद बनने के बाद विकास कार्यों के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा अदम प्रयासों से क्षेत्र के विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते नगर परिषद भवन के पास भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लाखों की लागत से बनने वाली सीसी रोड एवं पुलिया का शिलान्यास एवं भूमि पूजन मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर ने किया। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ आनंद कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े हो, जो भी अध्यक्ष के लाने, जो भी पार्षद के लाने, उन सबको भारी बहुमत से चुनने का काम भी आपको करना है। क्या करना है उसका भी हम कारण आपको बता दें। अगर आप विपरीत दिशा में जाओगे तो रास्ता भटक जाओगे भाइयों, क्योंकि जो मूलभूत जरूरत के लिए आपको नगर पंचायत का दर्जा मिला है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पार्षद होगा तो आप चिंता मत करना, जितना विकास हो सकता है उस विकास शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, बताएं इसमें। ये नई नई नगर पंचायत बनी है और अब आज से इसकी निर्माण कार्यों की शुरुआत हुई है। भूमि पूजन हम और हमारी पार्टी के अध्यक्ष पार्षदगणों ने किया है और ये तो शुरुआत है। आगे आगे बहुत सारे, मतलब ये मान के चलो आपकी मालथोन एक दो साल के बाद बहुत आगे जाएगा, ये हमारे मंत्री जी की सोच है, इसीलिए उन्होंने नगर पंचायत इसको बनाई है। और भूमि पूजन, अब तो खैर आगे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बाद ऐसा कोई जगह नहीं बचेगी जहां सीसी निर्माण कार्य, पार्क, ये सब हम लोग सब निर्माण करवाएंगे। पूजन की ये तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो आपके मंत्री जी क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हमारे सिंह जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष राम कुमार जी, हमारे उपाध्यक्ष जी पाठक जी और इस नगर पंचायत के अध्यक्ष नीलकमल राजपूत जी और इस नगर पंचायत के सभी पार्षदगण, सभी नगर पंचायत के हमारे वरिष्ठजन, युवा साथी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि इस नगर पंचायत मंत्री जी का जो सपना है कि हर उस इंसान को जो मूलभूत जरूरतें होती हैं वो मूलभूत जरूरतें उसको मिले, इसलिए इस नगर पंचायत का गठन किया गया। इतने छोटे से एरिया का नगर पंचायत नहीं बन सकती, मगर आपके मंत्री जी के कारण है कि इसको नगर पंचायत का दर्जा मिला। आपसे बड़ी तो खिलासा है, मगर खिलासा को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला, मगर मालथोन को मिला। मालथोन को किस लिए मिला? मंत्री जी के अंदर थी कि हम हमारे क्षेत्र के लोगों को कैसे फायदा पहुंचाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पंचायत के माध्यम से आप सबको नहीं मिल पाती। नगर पंचायत में ऐसा होता है कि बजट की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए आप सबको जो मूलभूत जरूरतें होती है वो उसकी पूर्ति बहुत जल्दी पूरी होगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मालथोन से कप्तान यादव की रिपोर्ट।